आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ। जय हिंद आज का जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि राम श्याम से तीन वर्ष बड़ा है श्याम मोहन से दो वर्ष बड़ा है यदि राम की आयु सत्रह वर्ष है तो मोहन की आयु कितनी होगी ये हमें बताना है तो चूँकि हम लोग सबसे मान पहले मान लेते हैं क्या करते हैं हम लोग मान लेते हैं कि जो मोहन की आयु है ना, क्या है मोहन की आयु मोहन की आयु हम लोग मान लेते हैं कितना है तो मोहन की आयु हम लोग मान लेते हैं कि वो एक्स वर्ष है तो जब मोहन की आयु एक्स वर्ष है तो इस हिसाब से हमारे पास श्याम की आयु क्या हो जाएगी श्याम श्याम की आयु बराबर क्या हो जाएगी तो श्याम की जो आयु है वो मोहन की आयु से दो वर्ष अधिक है यानी कि जो श्याम है वो मोहन से दो वर्ष अधिक है तो मोहन की आयु चूंकि x है तो इससे दो वर्ष अधिक यानी कि x प्लस दो वर्ष हो जाएगी तब इस हिसाब से देखिए तो राम की आयु क्या हो जाएगी तो राम की आयु बराबर हो जाएगी राम जो है वो श्याम से तीन वर्ष अधिक है श्याम की उम्र कितनी है तो एक्स प्लस दो है और इससे जो है वो राम क्या है तीन वर्ष अधिक है यानी कि प्लस तीन हो जाएगा तब कह रहा है कि यदि राम का उम्र जो है राम की आयु जो है वो सत्रह वर्ष है यानी कि हम कह सकते हैं हमने जो माना है उस हिसाब से तो राम की उम्र x प्लस दो और प्लस तीन वर्ष है लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि नहीं ये सत्रह वर्ष है तो यहाँ से हमारे पास x का मान निकल करके आएगा जो कि क्या होगी मोहन की आयु होगी जो कि हमसे प्रश्न में पूछा भी गया है तो इसको यदि हम हल करें तो तीन और दो कितना तीन और दो कितना हो जाएगा पाँच यानी कि एक्स बराबर ये तीन दो पाँच इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा यानी कि सत्रह माइनस यानी कि एक्स बराबर हमारे पास क्या मिल जाएगा तो सत्रह में से यदि हम लोग पांच घटाते तो हमारे पास